प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिले। इसी बीच वीरभद्र सिंह और राठौर के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सही समय पर सही नियुक्ति की है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलने हॉली लॉज पहुंचे। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के बाद सबसे पहले वे अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद लिया। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे वे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कम समय बचा है, ऐसे में चुनौती ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वे सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर पार्टी को एकजुट करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने पार्टी में गुटबाजी को लेकर कहा कि छोटा मोटा मनमुटाव होता है, लेकिन चुनाव के समय सभी एकजुट होकर पार्टी की जीत के लिए कार्य करेंगे। कल शाम को मैं शिमला पहुंचा और परमाणु से लेकर शिमला तक कार्यकर्ताओं का हजूम जो है मुझसे मिलने के लिए आया, तो निश्चित तौर पे मुझे लगा कि एक संकेत कार्यकर्ताओं में गया है कि पार्टी को हमको मिलकर मजबूत करना है। तो आज मैं कहीं मंदिर पे गया था पूजा के लिए और उसके बाद मैं सबसे पहले जो है माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी से मिलने आ रहा हूँ। हिमाचल में मेरे पहला जो है माननीय राजा साहब से, और राजा साहब के साथ मेरे बहुत पुराने संबंध रहे हैं। जब राज साहब अभी आप लोगों के सामने चर्चा हो रही थी कि जब ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो मैं NSOI का अध्यक्ष था और माननीय आनंद शर्मा जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब हमारा पार्टी कार्यालय सीज हो गया था तो हम यहाँ बैठ के जो है मीटिंग करते थे, तो इतना पुराना हमारा नाता है। तो जहाँ तक संगठन की बात है, राहुल गांधी जी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, हालांकि मुझे ये लगता है कि अभी जो चुनाव है लोकसभा के वो बिल्कुल दहलीज पे है, हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरे साथ माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी, जो पार्टी के दूसरे हमारे वरिष्ठ नेता विद्या स्टोक्स जी, पार्टी के तमाम जो अध्यक्ष हैं, हम सब का मिलकर ये प्रयास होगा कि हिमाचल प्रदेश में और जो अभी निर्वर्तमान अध्यक्ष सुखविंदर जी, हम सब मिलकर जो है इकट्ठे होके हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चारों सीटों पे जो है परास्त करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, जैसा आपने बोला कि हाईकमान ने आपको ये पद दिया है, पर सुखू का कहना है कि इसमें हमारा हाथ है, मैंने इनका नाम आगे किया था। देखिए, मैं इस विवाद पे नहीं पढ़ना चाहता कि किसका हाथ है, मुझे सब लोगों ने समर्थन दिया इसमें। सुखविंदर सिंह जी ने भी कहीं सहमति बात की होगी, लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। ये नियुक्ति जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने की है। सर, गुटबाजी काफ़ी चल रही है कांग्रेस में, इसको कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा जो है हमको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, और ये भी लगता है कि कई बार हमारे बुज़ुर्ग हमको डांट देते हैं, घर में भी तो डांटते हैं, तो हमको उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर राजा साहब ने कोई बात कही है तो हमको आके इनसे बात करनी चाहिए कि क्या कारण है, हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं आज माननीय राज साहब से बात करूँगा, मैं जो दूसरे लोग हैं सुखविंदर सिंह उनसे भी बात करूँगा, और ये कोई बड़ा मामला नहीं है। आप ये देखेंगे कि चुनाव में हम सब लोग इकट्ठे होंगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हाईकमान ने सही समय पर सही नियुक्ति की है। उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह राठौर पार्टी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बने और ये उपयुक्त इनकी नियुक्ति जो है वो सही समय पर हुई है, क्योंकि कुछ समय पहले होती तो हालात और अच्छे होते। मुझे यकीन है ये तजर्बेकार आदमी है, पहले पार्टी का आदमी है, वो पार्टी की जो परंपरा है परंपराओं को ध्यान में रखते हुए और वहाँ अनुशासन को मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।